जब इश्क अपने मरकज़े असली पे आ गया, खुद बन गया हुसैन दो आलम पे छा गया, और अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नगी के जिनको जमाना बना गया, हम वो नगी के जिनको जमाना बना गया। तमाम तारीफें तमाम हमद सना खुदा इलम यजल के लिए जो हर इब्तदा की इब्तदा और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाबे वाला वो वक्त करीब है, जनाबे वाला कहा जाता है अगर किसी कौम को कमजोर किया जाए, अगर किसी कौम को कमजोर करना हो तो उसे मायूसी की तरफ धकेल दिया जाए। मैं पूछता हूँ कैसी मायूसी जनाबे वाला? वो कौन सा पल है जो मेरे मुल्क में नहीं है? वो कौन सी सब्जी है जो मेरे मुल्क में नहीं है? अरे वो कौन सा जज्बा है जो मेरे मुल्क में नहीं है? कहा जाता है कि वो मुल्क कामयाबी करता है जिसमें अक्सरियत नौजवानों की हो। मेरा पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 60% आबादी नौजवानों की है। अरे हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बैरून मुल्क से कर्जा लेकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक भी सफों में खड़ा करेंगे। मैं कहता हूं पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, वो वक्त करीब है कि दुनिया पाकिस्तान से कर्ज मांगेगी। ये है पाकिस्तान। अरे आज हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। आज शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाता, सुन्नी दियोबंदी की मस्जिद में नहीं जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है वो वक्त करीब है कि हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक सफ में खड़े होंगे, हम एक अल्लाह पर एक पाकिस्तान पर ईमान रखेंगे। वो वक्त करीब है जब जनाबे वाला आज दुनिया सोचती है आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि चांद नजर आए तो ईद हो। आज गरीब गरीब से गरीब होता गया और अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, लेकिन जनाबे वाला माना के दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह से हथेली पे जान थोड़ी है जो हम कहेंगे हाँ वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का ये पाकिस्तान थोड़ी है। वो वक्त करीब है जनाबे वाला कि जब हम दुश्मन की आंखों में आके डाल कर कहेंगे कि तुम पाकिस्तान को कमजोर समझते हो। देखो इस कौम का जज्बा कि ये अपने लख्त जिगर के जनाजे पे खड़े होके कहती है अल्लाह करे मुझे 10 बेटे भी दिए होते तो अपनी वतन की मोहब्बत में कुर्बान कर देती। अरे वो वक्त करीब है जब हम सब अपने मुल्क के लिए अपनी जान हाजिर करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं। कौन सा इश्क? के बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, जेरे खजर भी रखा सजदा माबूद में इश्क। इश्क चलता है दहकते हुए अंगारों पर, इश्क खुद मौत रकम करता है तलवारों पर। अरे इश्क की आग में नमरूद छुलक जाते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क से टकराते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क से टकराते हैं।